हेलो सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विंद्रावन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों ऐसे टॉप 5 सेटिंग के बारे में जिनका यूज करने के बाद आप आसानी से दोस्तों कोई भी मोबाइल हो दोस्तों उसमें आप नेट दिन भर चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 1 GB हो या तो 1.5 GB हो, इससे ना एक फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आप 1 GB हो तो अभी 1 GB यूज करके दोस्तों आप पूरे दिन नेट चला सकते हैं। किस तरह से डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है दोस्तों, उसका रीज़न भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, और किस तरह से हम लोग का यहाँ पर डाटा सेव करना और 1 GB में पूरे दिन चलाना है। तो दोस्तों ऐसा टॉप 5 सेटिंग है जिनका यूज़ करके दोस्तों आप ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ये सेटिंग करनी है और कैसे सेट यहाँ पर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहले सेटिंग हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग है। आपको चले जाना होगा प्ले स्टोर पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्ले स्टोर को ऑन करने कर लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं प्ले स्टोर के यहाँ पर जो कि 3 डॉट होता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं इसके सेटिंग में। तो दोस्तों सेटिंग आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम लोग इसे ऑन कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओवर ओनली। तो यहाँ पर अगर वाईफाई से आप कनेक्ट कराएंगे, अगर आपका सेकंड डिवाइस है उसे वाईफाई से डाटा कनेक्ट करा लेते हैं तो दोस्तों उसका डाटा आसानी से बहुत ही जल्दी यूज होगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट और ओवर एनी नेटवर्क। दोस्तों अगर आपका ओवर एनी नेटवर्क पर सेलेक्ट रहेगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, इससे आपका डाटा बहुत ही लूज हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डू नॉट ऑटो अपडेट। तो दोस्तों कस्टमाइज के लिए हम लोग अपना खुद से अपडेट कर लेंगे जिस भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोगों की। तो दोस्तों यहाँ पर डू नॉट ऑटो अपडेट पर सेलेक्ट करके यहाँ पर डन कर देना। सिंपली फर्स्ट सेटिंग ये हो गया दोस्तों, जिससे कि आपके डाटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो और सिंपली यहाँ पर सेटिंग सेकेंड सेटिंग की बात करें तो जो कि व्हाट्सएप में यूज होता है दोस्तों, सिंपली हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप हम लोग अपना ओपन कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप कुछ इस तरह से हम लोगों का ओपन हो जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है डाटा एंड स्टोरेज यूजेस। तो सिंपली आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं वेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको टिक मिलेगा फोटो आइडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों अगर वाईफाई से आप कनेक्ट रहेंगे तो सिंपली ये सभी जितने भी आपके व्हाट्सएप में आए रहेंगे मैसेजेज और फोटो आइडियो वीडियो तो सभी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर वेन यूजिंग मोबाइल। तो दोस्तों सिंपली मोबाइल डाटा अगर यूज करेंगे तो दोस्तों जो भी टिक रहेगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पर कट करते हैं और सिंपली यहाँ से इस ऑप्शन को क्लोज करते हैं और इन सभी ऑप्शन को हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड डिवाइस जो कि हमारा है तो दोस्तों उसे भी अगर वाईफाई कनेक्ट कराएंगे तो हमारा डाटा बहुत ही लूज हो जाएगा। अब सिंपली जो कि यहाँ पर अगला सेटिंग है, तो दोस्तों अगला सेटिंग जो कि यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाना होगा मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि अकाउंट एंड मैनेज का होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसे सेट करना है यहाँ पर, यह भी बहुत डाटा कंज्यूम करता है दोस्तों, यहाँ पर इसको भी सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों अकाउंट सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अकाउंट में आ जाना होगा, उसके बाद गूगल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि सभी ईमेल आईडी में होता है दोस्तों। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंक नाउ। तो दोस्तों सिंक नाउ के ऑप्शन में यहाँ पर आ जाना हम लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट एंड सिंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको सभी टिक ऑन टिक कर देना, क्योंकि दोस्तों यह सिंक करता है तो डाटा आपका बहुत ज़्यादा लूज होता है, तो कुछ इस तरह से आपको ऑफ कर देना दोस्तों। तो सिंपली जितने भी ईमेल आईडी होते हैं दोस्तों सब में आपको इस तरह से ऑफ कर देना, तो दोस्तों इससे भी आपका डाटा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो और सिंपली यहाँ पर फोर्थ सेटिंग होता है उसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से दोस्तों। यही 2 सेटिंग जो कि लास्ट का यही 2 सेटिंग मैंने जिसके यूज़ करने के बाद आपका डाटा बहुत ज़्यादा बच जाएगा दोस्तों, जिसका यूज आप पूरे दिन भर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों का यहाँ पर है। सिंपली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं मोबाइल के सेटिंग में। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन जो कि सब फ़ोन में होता है दोस्तों, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि है ऐप मैनेजर। तो दोस्तों ऐप मैनेजर में हम लोग आ जाते हैं, ऐप मैनेजर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली इसे ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ऐप लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऐप लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एक ऐप जो कि क्रोम होता है इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा एंड यूजेज स्टोरेज। तो दोस्तों सिंपली इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड डाटा। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड में बहुत ही डाटा यूज करता है और यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल वाईफाई और डिसेबल मोबाइल डाटा। और सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा, जितने भी ऐप है दोस्तों सभी ऐप को खोल करके आप सिंपली बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देना और डिसेबल मोबाइल डाटा को ऑन कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर सेटिंग करना है। तो यहाँ पर आपको इन
सभी ऐप्स में जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन में है, तो दोस्तों सभी ऐप्स में आपको इस तरह से सेटिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी दो ऐप का बंद कर दिया दोस्तों, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा को बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा बहुत ही यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फोर्थ सेटिंग हो गया। आप नंबर फाइव की बात करें तो नंबर फाइव पे आपको यहाँ पर आ जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग में। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेटिंग आपके फ़ोन से ही होगा। सिंपली आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग, जितने भी एडिशनल सेटिंग होते हैं आपको इसमें देख लेना है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो दोस्तों सिंपली आपको फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए सिंपली आप फोन में आ जाते हैं और वर्जन में आ जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड नंबर, तो बिल्ड नंबर पर आपको सात बार टाइप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड मांगेगा, तो हम लोग अपना पासवर्ड डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ इस तरह से डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं। अब सिंपली यहाँ पर डेवलपर मोड यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में मिलेगा। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेवलपर ऑप्शन मिल चुका है कुछ यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद सिंपली आपको आ जाना है, इस स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, ऐप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ पर है मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट कुछ इस तरह से देख सकते हैं, डोंट कीप एक्टिविटीज़। तो दोस्तों सिंपली आपको इसको ऑन कर देना और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस, तो दोस्तों इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही सेटिंग है, इसको ऑफ करने के बाद आपका बहुत डाटा यहाँ पर कंज्यूम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डाटा बच जाएगा। सो दोस्तों यहाँ से कुछ यही फाइव सेटिंग करने के बाद आपकी डाटा बहुत ही बच जाएगी, जिसका यूज़ हम पूरे दिन कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।